प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का जो पाठ 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर, उसका भाग एक पढ़ेंगे। तो जो ये खान पान की बदलती तस्वीर है, ये एक निबंध है और इसके लेखक है श्री प्रयाग शुक्ल। तो खान पान, बच्चों आप समझ गए होंगे, खाने पीने की जो चीजें हैं उससे संबंधित कुछ हम इस पाठ में बात करने जा रहे हैं। तो बदलती तस्वीर यानी कि उसका एक तरह से हम कहते हैं कि पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना कि शक्ल सूरत चेंज हो जाना, बदलाव आ जाना, अब जो चीजें पहले बनती थी वो अब नहीं बनती है। आज की जो युवा पीढ़ी है या नई पीढ़ी है, वो किस तरह की खाने पीने की चीजें पसंद करती है, उन चीजों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो ये सब इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। और साथ में इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय व्यंजन की भी बात आएगी और खान पान की मिश्रित संस्कृति की भी बात आएगी, तो वो सब बातें हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों आओ, खान पान की बदलती तस्वीर, इसका भाग एक हम पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। अब देखो, खान पान, खाना पीना, बदलाव, परिवर्तन, उपलब्ध, प्राप्त। अब जो दक्षिण भारत के इन्होंने कुछ प्रसिद्ध व्यंजन यहाँ पे गिनाए हैं, जिसमें इडली, डोसा, बड़ा सांभर, तो वो कहते केवल दक्षिण भारत में ही नहीं मिलते, अब वो कहते उत्तर भारत में भी मिलते हैं, ऐसा इनका कहना है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, ढाबा तो समझते होंगे आप, जहाँ खाना बनता है, लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा हिमाचल भी उत्तर भारत में स्थित है, तो यहाँ के भी ये व्यंजन दिए जा रहे हैं जिसमें रोटी, दाल, साग, कहते ये सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं मिलेंगे, ये हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी ये, चाहे वो ढाबा बोलो, चाहे होटल बोलो या रेस्टोरेंट, उसमें मिल जाएंगे। अब आगे ये कौन सी बात कर रहे हैं, फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन, हो सकता है जिसको बनाने में कम समय लगे या फिर पका पकाया मिले, उसे हम फास्ट फूड कहेंगे। का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है, चलन होता है प्रथा या क्रम, कहते आप फास्ट फूड लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस फास्ट फूड में क्या क्या आता है, बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं, जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये नुकसानदायक है, तो बच्चों ये बातें याद रखनी है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अजनबी यानी कि अपरिचित, अब सब उससे परिचित हो चुके हैं चाइनीज नूडल्स से। अब आगे ये क्या कहते हैं, 2 मिनट्स नूडल्स यानी कि 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। विज्ञापित होते हैं, सूचित किया हुआ, टीवी में आप विज्ञापन देखते होंगे या रेडियो पे सुनते होंगे या अखबार में आते हैं विज्ञापन, जिसमें आलू चिप्स या अन्य खाने पीने की चीजों के विज्ञापन आते रहते हैं और बड़े ही उसको अनोखे अंदाज में या मनमोहक अंदाज में दिखाया जाता है, और बच्चे तो क्या, उसमें बूढ़े भी उसकी ओर फिर लालायित हो जाते हैं, ललचा जाते हैं कि हम भी क्यों ना इसका स्वाद चख लें। अब आगे पहुंच गए वो गुजरात में, गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं।
और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब जैसे स्थानीय व्यंजन कह रहे हैं, मान लो हमारे हिमाचल के स्थानीय व्यंजन जैसे ऊपर दिया था रोटी दाल साग है, तो अब केवल वही तक हम सीमित नहीं है, अब हम दूसरे जो राज्यों के व्यंजन है, चाहे वो गुजरात के हैं चाहे दक्षिण भारत के हैं, तो उनको भी कहते हम बनाने लगे हैं। इसलिए भोजन में विविधता आ गई है। विविधता मतलब अनेकता, चाहे वह कहते बंगाली मिठाइयां हैं तो उसका आनंद कहते हम किसी भी प्रदेश में ले सकते हैं। ऐसा इनका कहना है कि अब केवल हम स्थानीय व्यंजन तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब हमारी खान पान की जो है मिश्रित संस्कृति आ गई है, अब हम मिला जुला खाना बनाते हैं। कुछ चीजें और भी हुई है, मसलन मतलब उदाहरण के रूप में, अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। साहबी ठिकाना मतलब अमीर लोग, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। कस्बा क्या हुआ, गांव से बड़ा और शहर से छोड़ा छोटा, बस्ती वाला जो जगह होती है उसे कस्बा कहते हैं। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। अब मुंबई की ये बात कर रहे हैं, मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब तक वह बात नहीं रही। यानी जो चीजें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। तो देखो, जो पहले फायदे होते थे किसी चीज को खाने से, किसी भोजन को खाने से, वैसा कहते हैं स्वास्थ्य वर्धक भोजन नहीं मिलता है, उसकी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है, ये लेखक का कहना है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से तो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए, गृहिणियां होता है जो घर में काम करती है और कामकाजी होता है जो घर से बाहर जाकर नौकरी करती है, नौकरी इत्यादि करती है। महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है। दुसाध्य मतलब जिसका उपाय करना कठिन हो, एक तरह से साध्य ना हो। अब कहते महिलाएं भी घर से बाहर काम करने निकलती हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वह घर में खरबूजे के बीज सुखाकर फिर उसको छिलने का काम कर सके और स्थानीय अपने व्यंजन से अच्छे से जुड़ सके। समय के अभाव में वो भी कैसा खाना चाहती है कि जो झटपट से तैयार हो। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं, जटिल होता है उलझी हुई या पेचीदा, जो कठिन होती है प्रक्रिया या प्रकरण या क्रिया, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, भागम भाग मतलब जल्दी दौड़ भाग, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। स्वाभाविक होता है कुदरती, क्योंकि लोगों के पास अब समय का अभाव है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को
कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है, वंचित होता रहे त्याग के बिना। कहते महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हो सकता है कि स्थानीय व्यंजन के लिए जो सामान उन्हें चाहिए वो महंगा हो, वो खरीद ना पाते हो, ऐसा लेखक का कहना है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों, मेवों मतलब जैसे दाख, बादाम, गरी, नारियल इत्यादि जो हम कहते हैं, जिनको किशमिश इत्यादि, तो वो मेवे होते हैं, मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा।